गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? ओके बेटा, मुझे पता है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने कल के वर्क में किया था क्यू क्यू यू आई एल क्विल, यहाँ तक आपने किया था। आज आपको इससे आगे की रीडिंग करनी है और फिर ये नोटबुक में लिखना है। देखिए आगे हमारा एस, एस डब्ल्यू ए एन, एस डब्ल्यू ए एन स्वान, स्वान डब्ल्यू डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, वॉच यहाँ पर घड़ी दिखाई दे रही है। बी ए टी बैट, आगे देखिए एन ई एस टी नेस्ट, ए एन टी आंट, आर ए डबल बी आई टी रैबिट, सबकी पिक्चर दी हुई है। जैसे रैबिट, रैबिट मीन्स यहाँ खरगोश दिखाया है आपको। के आई टी ई काइट, जे ए एम जैम, एम ए एन जी ओ, एम ए एन जी ओ मैंगो, मैंगो मीन्स यहाँ आम दिखाया है। एल ओ सी के, एल ओ सी के लॉक, यहाँ पर आपको ये लॉक ताला दिखाया है। इसी तरह आपको ये पूरा रीडिंग करनी है और ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, जैसे आपने कल लिखा था। एक बार और रीडिंग कर लेते हैं। एस डब्ल्यू ए एन स्वान, डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, बी ए टी बैट, बैट मीन्स बल्ला, एन ई एस टी ने, एन ई एस टी नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, ए एन टी आंट, आंट मीन्स चीटी, आर ए डबल बी आई टी रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, के आई टी ई काइट, काइट मीन्स पतंग, जे ए एम जैम, जैम मीन्स जैम मुरब्बा, एम ए एन जी ओ मैंगो, मैंगो मीन्स आम, एल ओ सी के लॉक, लॉक मीन्स ताला। जैसे आपने कल के वर्क में किया था ऐसे ही आपको इसको भी नोटबुक में ही करना है। इसमें से देख देख के ऐसे ही एक लाइन लिख खींचेंगे और डेट डालेंगे, चैप्टर डालेंगे और इसको पूरा लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। इतना आज के लिए आपका इतना ही वर्क। थैंक यू।